Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एट होम. और आज हम लोग अपना ग्रामर पार्ट शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर की बुक से. और हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 8, आर्टिकल्स ए एंड और द. सबसे पहले इसको सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टिकल्स की, तो जो ए होता है और एन होता है, ठीक है, ए अगर मैं बात करूं तो ए हम लोग यूज करते हैं कॉन्जुगेट के साथ, और एन जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं वॉवल्स के साथ, ठीक है, सिंपल तरीके से. आप पता करते हैं वॉवल्स क्या होते हैं. तो अगर ए ई आई ओ यू ये जितने भी वर्ड्स पूछे हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वॉवल्स. और इसके बाद जो वर्ड्स बचते हैं ऑस्ट्रिच, ऑरेंज, अम्ब्रेला, एक्सरे. तो जितने
साउंड निकल रहे हो आ ई ए ई ओ में निकल रहे हैं, तो ऐसे जो भी वर्ड होते हैं जिनका साउंड आ ई ए में निकलता है उसके साथ हम लोग एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसको क्वेश्चंस में कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली, पुट ए और एन इन द ब्लैंक स्पेस। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट आप देख लिखा है कंगारू, कंगारू का ये के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे ए। फिर लिखा है आउल, आउल का ओ क्या है, वॉवेल है, तो क्या लगाएंगे एन। फिर लिखा है पिकॉक, पिकॉक का ये जो पी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए। और नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट, नेस्ट का एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए। ठीक है, ऐसे आपको इसको फिल करना है। जेब्रा का जेड है तो जेड क्या है, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो ए लगेगा। इंजीनियर, इंजीनियर का देखिए एन जी आई एन डब्ल्यू आर, इंजीनियर, इंजीनियर का जो ई है इट्स अ इट्स अ वोवेल, तो वोवेल्स के पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, एन यूज करते हैं। इसी तरह एग, कैट, डक एंड एक्सरे एंड बॉयलिंग। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप ये समझ गए हो तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे, वो कर लेंगे आप लोग। और अगर इससे आपको कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे ग्रुप में जरूर पूछ लीजिएगा। जो बी है रिलेटेड ब्लैंक्स विद ए और एन, ये आपको खुद से करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आप ये समझ गए हो तो आप ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसे द बेबी इज प्लेइंग विद अ, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है बलून, तो बलून का बी क्या है, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो बेबी इज क्या लिखा, बेबी इज प्लेइंग विद अ बॉल। ठीक है, ऐसे आपको फिल करना। फिर सेकेंड है डैश इन बास्केट इज लेक ऑन द टेबल, तो